नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चलता रहता है, तो फिर से चिंटू पांडे ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से एक बहुत बड़ा विवादों का दौर चल गया है और खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं वो चिंटू पांडे को जमकर लताड़ते नजर आ रहे हैं और उनको खरी खोटी सुनाते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी में अचानक से एक और मोड़ आ गया है और वो मोड़ ये है कि चिंटू पांडे के पिताश्री जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका नाम है राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे ने एक फेसबुक पर वीडियो शेयर कर दिया है जिसमें वो खेसारी लाल यादव पर आरोप लगा रहे हैं। खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मैं खेसारी लाल यादव की वजह से मैं अपनी जान दे दूंगा और सुसाइड कर खेसारी लाल यादव का नाम ले लूंगा, और जब मैं सुसाइड करूंगा तो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा और खेसारी लाल यादव के नाम ही लेकर मैं सुसाइड करने वाला हूं। सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और इस प्रकार की सोच आखिरकार क्यों रख रहे हैं? और इसके बाद से खैर उन पर रहम कोई नहीं कर रहा है, बल्कि उनको और लोग लताड़ते नजर आ रहे हैं। और वजह यह है कि खेसारी लाल यादव और उनके बेटे के बीच में जिस तरीके से अनबन चलता रहता है, शायद वही उसी का कहीं ना कहीं वजह है जिसके चलते इस प्रकार की तमाम चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री में होती नजर आ रही है और भोजपुरी ऑडियंस के सारी लाल यादव के फैंस जमकर चिंटू पांडे और जो राजकुमार पांडे हैं उनको लताड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों में से, इन सभी विवादों में से एक चीज सामने आ गया है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है और उस बात पर लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान भी केंद्रित हो रहा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों इस प्रकार की चीजें सामने आई, क्यों चिंटू पांडे को आकर इस प्रकार की चीजें बोलनी पड़ी, राजकुमार पांडे को इस प्रकार का लगातार सुसाइड करने की बात भी वीडियो बनाकर करने की बात आई कहां से। आप अगर फेसबुक का वीडियो देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है राजकुमार पांडे जी का जो वीडियो है, उसमें अगर आप जाकर डीप देखते हैं तो उसकी वजह है बस एक, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे और राजकुमार पांडे का जो ये मैटर है उसमें एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम आ रहा है काजल राघवानी का। जी हाँ, काजल राघवानी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उस लाइव इंटरव्यू में आप देखते होंगे तो राजकुमार पांडे एक बात कह रहे हैं जिस बात से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद काजल राघवानी की वजह से इस प्रकार की ही तमाम चीजें हो रही है। दरअसल आप सभी को पता है कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी कितना ज्यादा कमाल करती है, कितना ज्यादा जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, बेस्ट जोड़ी का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब काजल राघवानी चिंटू पांडे के साथ फिल्म करने लगे थे, उसके बाद से काजल राघवानी और चिंटू पांडे को खेसारी लाल यादव के फैंस और भोजपुरी ऑडियंस लताड़ते नजर आए थे, जिसके बाद से एक दूसरे के बीच में अनबन हो गया था और काजल राघवानी ने जिस तरीके से आकर बयान दिया उसके बाद से और भी बड़ा विवाद बढ़ गया था। उसके बाद से खेसारी लाल यादव ने खुद जो है शांत करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप राजकुमार पांडे जी का जो फेसबुक लाइव वीडियो है उसको आप देखते हैं तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, क्या हम किसी अभिनेत्री के साथ हमारा बेटा काम नहीं कर सकता है, किसी और लड़की के साथ हमारा बेटा काम नहीं कर सकता है, क्या वो भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी जोड़ी फेमस हो गई है तो क्या जोड़ी अलग होकर काम नहीं कर सकती है, हम ही वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि काजल राघवानी को हमने पहली फिल्म ट्रक ड्राइवर दिया था और वो ट्रक ड्राइवर जब हिट हुई तो उनके साथ हमने 7-8 फिल्में की। लेकिन काजल राघवानी के साथ जब आपने मेहंदी लगा के रखना तो पसंद किया तो उसको लोगों ने पसंद किया, तो क्या मैं काजल राघवानी के साथ काम नहीं कर सकता, क्या हमारा बेटा काम नहीं कर सकता? इस बात से तो स्पष्ट यही होता है भैया कि सारा का सारा जड़ लग रहा है कि काजल राघवानी है, क्योंकि एक बेस्ट जोड़ी होने के बावजूद अगर अपना पाला बदला और पाला बदल कर जब इस प्रकार का विवाद हुआ और उन्होंने खुलेआम तौर पर यह कहा कि मैं उनका क्या दुश्मन है, मैं उनका क्या बिगाड़ा हूं, हमें तो बताइए, राजकुमार पांडे का ये जो वीडियो था उसमें ये सारी चीजें बोली और उन्होंने ये कहा कि मैं पंखे से लटक जाऊंगा, टूट चुका हूं, अब मत तोड़ो मुझे खेसारी, नहीं तो मैं
जान दे दूंगा और वो भी लाइव वीडियो बनाकर जान दे दूंगा। और इस प्रकार की तमाम चीजें कही जिसको लेकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काजल राघवानी का खेसारी लाल यादव से अलग होना, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे का एक साथ फिल्म करना, जिस तरीके से लोग ट्रॉल किए, इंटरव्यू छोड़कर भागे और तमाम मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि उनके जो बाबूजी हैं यानी कि राजकुमार पांडे, वो कह रहे हैं कि एक मुद्दा बना रहा है, एक अलग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है खेसारी, और इसकी वजह से इस प्रकार की तमाम चीजें हो रही है। और अब मैं थक चुका हूं, अब मुझे मत हराओ खेसारी, अब मैं अगर आगे से कोशिश की है तो मैं लाइव वीडियो बनाकर सुसाइड कर लूंगा। इस प्रकार की तमाम चीजें अब भोजपुरी इंडस्ट्री में होने लगी है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।